नमस्कार, न्यूज क्लिक पे आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड-19 के कुछ पहलुओं पे, और हमारे साथ जैसे हर बार होते हैं प्रोफेसर सत्यजीत रथ हैं। सत्यजीत, कुछ खुशखबरियाँ। पहली बात तो कि और एक दवाई की इस वक्त बात चल रही है, फाइजर की बनाई हुई है, जिससे कोविड-19 होने के बाद सिम्टम्स जो आते हैं, लक्षण देखने के बाद भी 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अगर हम दवाई लेते हैं तो लगता है कि सीरियस केस नहीं बनेगा। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अगर दवाई से और ख़ास तौर से जो बाय माउथ लिया जा सकता है, पिल की तरह लिया जा सकता, वो अगर आना शुरू हो तो कोविड-19 की जो खतरे हैं ये काफ़ी कम हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपका, फाइजर की ये और एक जो दवाई आई है, पहले मर्क की आई थी, एक पहले और एक दवाई की बात चल रही थी जो रिपर्पस्ड हुए हैं, जो भी पिल की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, इन सब को देखते हुए ये एक अच्छी खबर है? जी बिल्कुल, खबर तो अच्छी है। वास्तव में ज़मीनी स्तर पर क्या असरात दिखाई देंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन जहां तक खबर का सवाल है, बिल्कुल अच्छी है। दो मुद्दे मैं अपने दर्शकों, सुनने वालों को याद दिलाना चाहूँगा। एक तो ये है कि दो तरीके की दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। अपन ने इसका पहले भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दो तरीके की दवाइयां गंभीर कोविड बीमारी में इस्तेमाल होती हैं। एक वो है जो इन्फ्लेमेशन को, शोथ को कम करती हैं, उनका बीमारी पे असर पड़ता है, इसलिए अस्पताल में जो कई दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो सब आमतौर से उस तरीके की होती है, क्योंकि बीमारी के गंभीर लक्षण जो होते हैं उन पर काफी अच्छा असर होता है। लेकिन दूसरी किस्म की जो दवाइयां हैं जिनका आज अपन जिक्र कर रहे हैं, वो हैं वायरस की, विषाणु की बढ़त रोकने वाली दवाइयां। और विषाणु की बढ़त रोकने के लिए अभी तक रेमडेसिविर एक दवाई थी, लेकिन रेमडेसिविर बतौर इंजेक्शन से लेना पड़ता था। और दूसरी ओर उस तरीके की दवाइयां जो वायरस की बढ़त को रोकें, वो बीमारी में बहुत शुरुआत में इस्तेमाल होनी चाहिए अगर असरदार होनी हो। तो जाहिर है कि पहले 1-2 दिन में लक्षण सौम्य होते हैं, कोई अस्पताल नहीं जाता, तो इंजेक्शन से दवाई लेने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन वायरस को रोकने वाली, वायरस की बढ़त रोकने वाली दवा तब लेनी चाहिए पहले 2-3 दिनों में। इसलिए जो आपने कहा कि 2-1 हफ्ते पहले मर्क की एक दवा आई मोलनुपिराविर, जो बतौर गोली से लेनी है, मुंह से लेनी है और वायरस की बढ़त रोकती है। पिछले हफ्ते ये दवा आई जो जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं हम लोग, फाइजर की पैक्सलोविड नाम की दवा है। ये दोनों दवाइयां वायरस की बढ़त को रोकती हैं और मुंह से ली जा सकती है, और इसलिए ये एक काफी आशादायी कदम है कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर सौम्य रूप से बीमार कोविड के रोगियों तक ये दवा पहुंचे, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर दवा बने और इतने कम दाम में सभी लोगों को उपलब्ध हो, तभी जाके इन दवाइयों का जमीनी स्तर पर असर पड़ेगा। इस पर दो चीज़ जो सतीश ने कहा, मैं आपको फिर दोहराता हूँ। एक तो है कि अगर बीमारी को रोकना है तो उस वक्त रोकना चाहिए जबकि वो भीषण रूप या सीरियस केस न बन चुका हो, और वो चीज़ ये दोनों दवाइयाँ मर्क की और फाइजर की करती है, क्योंकि वो वायरस की बढ़त को रोकती है। पर दूसरी बात जो है कि सही बात है कि उस वक्त पिल की तरह लेंगे, आसान होगा, पर दाम क्या होगा और कैसे वो आम तौर पे मिलेगा, ये निर्भर करेगा पेटेंट होल्डर जो है तो वो इसके बारे में क्या रवैया लेता है। और हम जानते हैं कि इस वक्त ये छोटा मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसानी से मैन्युफैक्चर हो सकती है, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर हो सकती है, बन सकती है, बशर्ते पेटेंट्स की इसमें प्रोटेक्शन पेटेंट होल्डर न मांगे। और अभी
कानून जो है बहुतरे देशों में, हमारे देश में भी, इन पेटेंट्स को तोड़ने का WTO के तहत और हमारे कानून के तहत इसका अधिकार है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करके। सवाल ये है कि अगर दाम सही माने में आम तौर के लोगों पर मिले तब पेटेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पेटेंट तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने पहले HIV एड्स बीमारी में किया था। सत्य, धन्यवाद इन चीज़ों को समझाने के लिए। हाँ, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे? एक वैज्ञानिक पहलू इन दो दवाइयों का, हालांकि अपन ने मोलनुपिरावीर का जिक्र किया, एक और जो मर्क की दवा है और हाल की को फाइजर की दवा पैक्सलोविड का जिक्र किया, तो एक वैज्ञानिक चाव की बात है, वो ये है कि दोनों वायरस की बढ़त को रोकती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से रोकती हैं। मोलनुपिरावीर है जो वायरस की जो RNA है उसकी नकलें बनाने की प्रक्रिया को रोकती है, कॉपीज, उसकी कापियां बनाने की प्रक्रिया को रोकती है, RNA की कापियां। पैक्सलोविड की जो फाइजर की दवा है उसमें असल में दो या तीन अलग अलग दवाइयां हैं, लेकिन तीनों वायरस की RNA से जब वायरस के प्रोटीन बनते हैं तो उन प्रोटीन्स को प्रक्रिया करके वायरस के कण बनाए जाते हैं, उन प्रोटीन्स को काटने की प्रक्रिया को रोकते हैं ये जो पैक्सलोविड की दवाइयां हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग लक्ष्य हैं, मर्क की दवा के और फाइजर की दवा के। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों दवाइयां अगर एक ही लक्ष्य पर काम करती तो वायरस पर दबाव आता कि किस तरीके से उसका जैविक उद्विकास हो, उसका एवोल्यूशन हो और रेजिस्टेंस की निर्मिति हो। लेकिन अगर दो अलग अलग लक्ष्य हैं तो ये एक आशा की बात है कि अलग अलग दवाइयों से वायरस पर बहुत विस्तृत दबाव आएगा और इस वजह से रेजिस्टेंस की निर्मिति में ज्यादा समय लगेगा। तो ये एक इन दोनों दवाइयों को लेकर एक वैज्ञानिक पहलू है जिसके जिंदगी में मायने भी है। और अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीन के साथ साथ ऐसे दवाइयां अगर आते हैं ताकि लोग बीमार कम पड़े और अगर पड़े भी तो जल्दी दवाई लें ताकि उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसका मतलब है जो मुख्य लक्ष्य हमारा है कि मौत की संख्या को रोकी जाए, क्योंकि सीरियस केस बनने से अगर हम रोक सकते हैं, हॉस्पिटल से प्रेशर हब अगर नहीं बनता है, हॉस्पिटल में प्रेशर नहीं बनता है, ऑक्सीजन की स्थिति नहीं आती है, तब मौतें कम होगी, इसकी आशा काफ़ी दृढ़ होता है। तो दूसरी बात जो आता है वैक्सीन की, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, हम तो COVID-19 हमको हो चुका है, उससे ही हमारी वैक्सीन का काम तो हो गया है, और वो हर्ड इम्यूनिटी से लेकर बहुत सारे ऐसे बातें जो चल रही थी, वैक्सीन विरोधी एक जो कैंपेन भी है, तो इस पे एक रिसेंट एक स्टडी आई है CDC की, उसकी थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे आपसे, कि इस पे दिखाया है कि वैक्सीन ज़्यादा कारगर है रेजिस्टेंस पैदा करने में, न कि COVID-19 की बीमारी भी। तो ये ज़रा बताएंगे वैक्सीन का प्रोटेक्शन जो कहा जाता है ज़्यादा है, क्यों है और कितना है? तो ये थोड़ा पेचीदा मसला है और इसको लेकर वैज्ञानिकों के गुटों के बीच काफी जद्दोजहद चल रहा है, लेकिन CDC का, अमेरिकाई जो संस्थान है कोविड के बारे में रिसर्च करने वाला, तो CDC के एक रपट में ये आया है अभी हाल में कि उन्होंने जब उस वैज्ञानिकों के गुट ने जब पहले जिन्हें कोविड का संक्रमण हुआ है ऐसे एक गुट को जिन्हें टीका नहीं दिया और दूसरा गुट टीकाकृत लोगों का जिनमें कोविड की बाधा नहीं हुई थी,
इन दो गुटों में दोबारा बाद में कोविड होने की आशंका को जब परखा गया तो ये जाहिर हुआ कि जिन्हें टीकाकरण हुआ है उनमें दोबारा कोविड होने की आशंका संभावना जिन्हें पहले कोविड हुआ है उनसे कम है। यानी कि अगर आपको पहले कोविड हुआ है तो जाहिर है कि बिल्कुल ही ना आपको पहले कोविड हुआ है ना आपने टीके लिए हुए हैं, तब तो संभावना बहुत ज्यादा है आपको कोविड होने की। लेकिन एक बार कोविड होने के बाद अगर आपने टीका नहीं लिया हो तो आपको दोबारा कोविड होने की संभावना अब भी है, जो टीकाकरण से और भी कम होती है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में इस तरीके की बातें जो एक तरीके से टीका विरोधी अवैज्ञानिक रवैये हैं, उस रवैये के अंदर ऐसी बातें बार बार होती रहती हैं कि मैंने तो नेचुरल इम्यूनिटी पाई है क्योंकि मुझे तो कोविड हो गया है, अब ये आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो टीके के जरिए है उसकी मुझे क्या जरूरत है। और इस रपट से जाहिर होता है सबूत के साथ कि सबको टीके की जरूरत है, सबके लिए टीका लेना, आपको कोविड हुआ हो ना हुआ हो, टीका लेना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित कदम है। मैं थोड़ा फॉलोअप इस पे करना चाहूँगा कि वैज्ञानिक आधार क्या है, क्योंकि कोविड होने पर भी मुझे एंटीबॉडीज शरीर में पैदा होता है मेरे शरीर के अंदर। वैक्सीन देने से आप आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें ऐसे हमारे शरीर में डालते हैं जिसके वजह से मुझे वो एंटीबॉडीज पैदा कर होता है। तो क्या वजह है कि वैक्सीन से ज़्यादा एंटीबॉडी या लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज रहते हैं जो सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं होता, इसका वजह क्या है? तो तीन मुद्दे हैं इसमें। एक जो पहले मैंने कहा कि इस नतीजे को लेकर वैज्ञानिकों के गुटों के दरमियान काफी जद्दोजहद चल रहा है, खास करके इस विशिष्ट मुद्दे को लेकर अमरीकी और इजरायली वैज्ञानिकों के बीच थोड़ी बहुत खींचातानी चल रही है सुनने में आ रहा है। तो इन नतीजों को अभी शुरुआती नतीजे समझे अपन, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके के नतीजे जब बड़े पैमाने पर कम्युनिटीज में किए हुए काम से निकाले जाते हैं तो इससे मैकेनिज्म का कार्यकारण भाव का पता नहीं चलता आसानी से। तो ये दो पहले मुद्दे थे, इन्हें मद्देनजर रखे हम अपने तीसरे मुद्दे पर आए जो कि उत्तर है आपके सवाल का। तो उत्तर ये है कि एक और मुझे कोविड का संक्रमण हो रहा है, यानी कि विषाणु मेरे शरीर में आ रहा है। अब विषाणु एक इवॉल्व्ड चीज है, एक इवॉल्व जीव है, वो उस पे जब दबाव होता है उसमें फर्क पड़ते हैं। तो जाहिर है कि अगर विषाणु अपने अपनी बढ़त के लिए कारगर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस विषाणु के अंदर ऐसी कोई प्रक्रियाएं बनी हुई हैं जैविक उद्विकास से, एवोल्यूशन से, कि वो किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत किसी न किसी इंसान में इम्यून रिस्पांस को, प्रतिरक्षा व्यवस्था को थोड़ा टालें, थोड़ा धीमा कर दें उस रिस्पांस की गति को, किसी तरीके से अपने लिए थोड़ी जगह बनाए कि अपनी बढ़त हो और अपन दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाए। ये एक, मैंने जैसे कहा, इवॉल्व्ड बात। नेचुरल इन्फेक्शन में, नैसर्गिक प्राकृतिक संक्रमण में सामने आएगी, वैक्सीन में ऐसी कोई चीज है नहीं। वैक्सीन चूंकि हमने बनाई चीज है तो इसमें इम्यून अवॉइडेंस की कोई प्रक्रिया है नहीं। हम जानते हैं कि विषाणु में
खास करके SARS-CoV-2 कोविड 19 के विषाणु में ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को टाल सकती हैं, किसी इंसान में ज्यादा किसी में कम। और इसलिए बार बार ये देखा गया है कि जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी लेवल और उनका रहना यानी कि मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन दोनों में बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है नेचुरल इन्फेक्शन में, और वैक्सीनीज में कम वेरिएशन है। अब अपन सब सोच सकते हैं कि इसका और अभी अपन जो जिक्र कर रहे हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन से थोड़ा बहुत सुरक्षा में कमी हो वैक्सीनेशन की तुलना में, इसका एक निजी संबंध है। तो इसमें दो चीज निकल के आता है। तो एक तो ये है कि वैक्सीन में लंबे अरसे के लिए इम्यूनिटी शरीर में रहने की संभावना ज़्यादा है नेचुरल इन्फेक्शन से। दूसरी बात, वैक्सीन पे उस तरह से जो चीज़ें हैं बदलाव वैक्सीन एस्केप जिसे कहते उसके तुलना में नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी एस्केप करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। सत्यजीत का मेरे ख्याल से यही कहना है, पर ये विवादास्पद है। ये भी वो चेतावनी हमें दे रहे हैं कि ये चीज़ें अभी तक ये नहीं कह सकते कि कास्ट आयरन है, कि एकदम ऐसे लिखा हुआ है कि बिल्कुल इसको मान के ही चलना चाहिए। इस पे वैज्ञानिकों पे अभी भी इस पे बहस है, और आगे आने वाले दिन में देखना पड़ेगा ये बहस कहाँ तक पहुँचती है। पर सचित हमारे साथ पहले भी इसकी जिक्र कर चुके हैं कि वैक्सीन में ज़्यादा स्थायी इम्यूनिटी रहने की चांस है वनस्पत नेचुरल इन्फेक्शन से। पहले भी हमारा इस डिस्कशंस में इसका जिक्र आ चुका है, आज भी वो वही कह रहे हैं, पर एक सावधानी की स्वर में कि इसमें हो सकता है हमें और परखनी पड़ेगी। पर इसमें कोई शक नहीं है कि जो वायरस है उसका स्वरूप बदलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई एक जंग से ख़त्म हो जाएगी। इन्फ्लुएंजा को आप जानते हैं, हर साल हमें नए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि थोड़ा बहुत या ज़्यादा फ़र्क जो है वायरस का होता रहता है। एवोल्यूशनरी वार में ये समझना कि स्मॉल पॉक्स जैसे वायरस जो इस तरह से बदला नहीं है उस तरह से हर वायरस नहीं होगा, ये मान के चलना चाहिए। इसीलिए ये लड़ाई हमारी काफ़ी दिन तक चलेगी। खुशखबरी ये है वैक्सीन करीब करीब 18 महीने में जिस रफ्तार से हम बढ़ा पाए हैं, तीन दवाइयों की बात हम कर रहे हैं, रेमडेसिविर पहले थी, चार दवाइयों की बात हम कर रहे हैं जो हमारे आर्मरी में है, हमारे साथ है, जिससे हम कोविड 19 को रोक सकते हैं। तो हमारा ये 18 महीने की 24 महीने की जो प्रक्रिया रही है, विज्ञान काफ़ी हद तक हमें हथियार दिया है इससे बचने के लिए। वनस्पत सामाजिक रूप से हम कितना इस्तेमाल कर पाए ये प्रश्न चिन्ह हमारे साथ अभी भी है। आज के लिए इतना ही। हम इस तरह के डिस्कशंस को हर हफ्ता आपके सामने लाएंगे, और हमारे वेबसाइट में आइए और हमारे चैनल को देखिएगा।